फैक्ट्री, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? व्हाट द हेल यू आर डूइंग? परसों एक बूढ़ा बाबा कसूर रेलवे रोड पे, सुने सब, कसूर रेलवे रोड पे गोश्त खरीदने आया, 280 रुपए किलो गोश्त था। उस बूढ़े बाबे के बुरे हालात, उस बूढ़े बाबे के हाथ में चार चार आने, एक एक रुपया, पांच पांच रुपए की रेसगाड़ी, 140 रुपए उसके हाथ में थे। मैंने कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहता कि 140 रुपए आधा किलो गोश्त लेना है और इस किसान को कह रहा हूँ कि भाई हड्डी ना डालना, आधा किलो गोश्त है। मैंने कहा बाबा क्यों ले रहे हो? कहते जब रोजे शुरू नहीं थे हुए तो मेरी बेटी ने कहा था अब्बा मैंने गोश्त के साथ अफ्तारी करनी है, और आज मुझे 16 रोजे हो गए हैं, 15 रोजे हो गए हैं कि अपने बेटी को मैं गोश्त के साथ अफ्तारी नहीं करा। तो बाबा कैसी बातें कर रहे हो? तो बाबा 10-10 रुपए, 5-5 रुपए जो बचाते हैं ना, तो भाई मेरा काम तो नहीं है मैं आलू बुखारा देखूं, मेरा काम तो क्रिमिनल को पकड़ना है, मेरा तो लोगों की जान माल इज्जत बचाना है। अगर मैं यहाँ पर आके ये चीजें कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि यार खुदा के लिए अगर उस जात को राजी करना है ना तो अल्लाह के बंदों को राजी करो, अल्लाह के बंदों के लिए सानियां पैदा करो। कलब वाले सफेद सूट पहन के चौधरी बन के फिरने से कुछ नहीं होता। मैं डीपीओ के जब तक कांस्टेबल बन के काम ना करूं 19 घंटे 20 घंटे चैन नहीं मुझे आता। मेरे हाल पर रहम करें, अपने हाल पर रहम करें, अपने बच्चों पर रहम करें। ऐसा कर सर मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, ये चीज मेरी बड़ी क्लियर सुन ली। मैं सिंस आई हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस बंदे को अरेस्ट नहीं करवा रहा, बट आई विल टॉक टू द मिनिस्टर, आई विल टॉक टू डॉक्टर फारूक, आई विल टॉक टू डीसी एंड आई विल टॉक टू ऑल द पर्सन सो दैट ही मस्ट बी टेकन टू द टास्क। मैं इसको कड़ी लगा के इंस्ट्रक्शन का पर्चा नहीं दे रहा, क्योंकि 100% अगर मिला नहीं है तो ये नलायक है। जब इसका रेट ही नहीं है तो ये बिक कैसे रहा है, और अगर बकाना है तो इसका रेट दे। ये चीज बड़ी क्लियर करें, आप देखा करें, आप यहाँ पर आया करें, लोगों को रिलीफ दिया करें। दिन में 10 बंदों को भी रिलीफ दे दिया ना तो पुलिस रात आराम से पार कर लोगे।